यार मणिकरण यार यहाँ पे आज से 10 साल पहले आया था जिस चीज का डर था वही हो गया। ये खड़े खड़े में पत्थर पे चढ़ा शिमला मिला था उसने मुझे बताया कि भाई बहुत भयंकर ठंड होने वाली है वहां जाके तुम बहुत सारे ट्रैक भी कर सकते हो बट वी डोंट नो हाउ इट्स गोना बी बट लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। इनका मेकअप खत्म होगा तब ना चल भाई चल हाँ रेडी हूँ कैमरा यार बॉन रेडी चलो भाई लेट्स गो। ओ लव साहब यार क्या लव गुड मॉर्निंग यार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग लेट्स गो। बहुत हेवी भाई एक एक सामान एक एक एक्स्ट्रा जैकेट जो उठाई होती है सब अभी याद आती है। चलो भाई लेट्स गो एंड स्टार्ट अवर जर्नी टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। यार बहुत अमेजिंग दिन था आज आई मेट सोनिया। हे सोनिया व्हाट्स अप मार्केटिंग मतलब हमारे दूसरे चैनल से भी पहले चैनल की मार्केटिंग हो रही है। हाउ कूल इज दैट लवली थिंग यार टेक केयर गुड अच्छा लगता है यार ऐसे मतलब 2013 मतलब दैट टाइम यू नो व्हेन वी जस्ट स्टार्टेड कैट किंग एंड फ्यू स्टूडेंट एंड बंदी अभी कैनेडा में इट ऑलवेज फील गुड। अभी तो मुझे फील बहुत बैड हो रहा है बिकॉज सामान उठाना पड़ रहा है। मणिकरण इज स्टॉप ओवर एंड वी गोना बी स्टॉपिंग हियर फॉर सम टाइम एंड देन गोना गो टू टॉस। और यहाँ पे पानी मैंने सुना है बहुत बहुत अमेजिंग वाला गर्म होता है और भूख लग रही है हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। हाउ अबाउट हैविंग अ लंगर देयर यार लंगर होएगा यार हाँ जी लंगर होगा क्या बात है फ्रीच ब्रेकफास्ट स्टोर की जगह है। ओह लुक एट दैट वी आर एट मणिकरण यार यहाँ पे आज से 10 साल पहले आया था एंड नाउ वी कम बैक हियर सो अमेजिंग एंड सो ब्यूटीफुल। चाय का भी लंगर मिल रहा है चाय और यहाँ पे लोग बैठ के खा भी रहे हैं। मजा आ गया खाना है। यू वर यू टेल मी समथिंग वेरी कूल अबाउट दिस प्लेस व्हाट इज दैट द बेस्ट थिंग चावल बनना है चपाती बनाते हैं क्योंकि एक स्टोरी थी मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ आपको द स्टोरी ऑफ दिस टेम्पल ऑफ दिस गुरुद्वारा केम टू इंडस्ट्री चैनल। अभी हम खाना खाते हैं गुरुद्वारा वेयर गुरु नानक देव जी ने
वो किया था पूरा अपना तप। सो दैट्स द शिव मंदिर जस्ट एडजेसेंट टू द गुरुद्वारा इन द सेम वॉल इन द सेम सिमिलर सेम कॉम्प्लेक्स दे हैव गॉट शिव मंदिर एज वेल। लेट्स गो। कितना दे दो? एक दे दो। चावल 10-12 मिनट रखना, चना 15 मिनट रखना। तो हमने अपना अभी राइस किया है, इट इज सो अमेजिंग। यहाँ पे तो अपना राइस ले सकते हो, विच इज ओनली 20 रुपीज, और उसको यहाँ पे डिप करके तुम पका सकते हो। बाय द वे, अगर तुम्हें घर लेके जाना है इस राइस को, यू शुड ओनली डू इट फॉर 10-12 मिनट्स हाफ बॉयल, फिर तुम उसकी लॉन्जिटिविटी थोड़ी ज़्यादा होगी। और वाटर इज सो हॉट, और गर्म पानी के कारण नीचे भी इतना गर्म है ना यार। तो हमने प्रसाद बनाया खुद से, जो हम घर लेके जाएंगे और मम्मी पापा को भी खिलाएंगे। तो उनकी लॉन्जिटिविटी पता नहीं कितनी देर है, बट अमेजिंग है। जय शिव शंकर। कैसा लग रहा है भाई? डाकू ले रहे हैं, डाकू कश्मीरी कोई और ही लग रहा हूँ मैं। वो वीरभद्र सिंह है ना, वो ऐसी टोपी पहनते थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल। कैसी लग रही है लव? ले लूँ मैं? बहुत बढ़िया। तू काट है ना भाई, ये बहुत बहुत स्मार्ट, वो लौंडे होते हैं ना जब वो बोलते हैं ले 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 कर ले कर ले। अरे वाह, ये है जय श्री राम, ये राम मंदिर। मजा आ गया यार, पहाड़ों में क्रिकेट खेलो, यहाँ से एक शॉट मारो सीधा रिवर के अंदर, वहाँ अपन खिड़की में ग्लास व्लास तोड़ते हैं, और यहाँ पे ये लोग बस पानी में इनकी बॉल लूज होती है। कितनी सही बात है, मजा आ गया। क्रिकेट इज इंडियाज नेशनल गेम। सो वी आर बैक टू गुरुद्वारा फ्रॉम द बैक डोर एंट्री। ये बैक डोर एंट्री पीछे से क्या यहाँ से बाद में है, तो मैं अपनी चांस की वेट करनी पड़ेगी फिर लोग आएंगे। और फिर बैक डोर एंट्री अगर तुम पीछे वाली मार्केट में राम मंदिर जो हम देख के गए वहाँ जाना, इसी से ही जाना पड़ेगा और इसी से आना पड़ेगा। यहाँ के गर्म जल से स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप तो धुली हैं, धुलते ही हैं बच्चू, इस भौतिक शरीर के अनेक रोग भी नष्ट हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ओहो, चलो भाई जाके स्नान करना चाहिए। वी हैव कम टू द सरोवर होल राइट नाउ, जहाँ पे आगे तुम्हें यहाँ पे स्नान करना है। यहाँ पे कोई और नहीं है, मुझे पता नहीं कैमरा अलाउड है कि नहीं, कैमरा बंद करो, बट आई एम गोना गो इनसाइड एंड वाटर इज डैम हॉट, आई कांट इवन एक्सप्लेन यू हाउ हॉट इट इज। ओ माई गॉड, दिस इज अप टू 92 डिग्री सेल्सियस, दैट वाज द सेम, एंड इट्स शिटी हॉट। 11,000 साल यहाँ पे शिव जी और पार्वती रहते हैं, कुछ तो मैं नहीं हुआ, तो मैं तो खुद ही मारने वाला हूँ फॉर श्योर। और तुम्हें बताता हूँ हाउ इज इट। पानी बहुत गर्म है, पानी बहुत गर्म है, कहाँ पे आते पानी थोड़ा दे भाई। ओह गॉड, जल गया भाई, जल गया जल गया भाई, जल गया भाई। यहाँ पे बहुत ही अंधेरा है, पर यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अपना तुम वाटर बाहर बकेट से भर सकते हो, और अपने बकेट को भर के यहाँ पे आके जो एकदम डीप वाला हॉट वाटर है उसके अंदर मिक्स करके नहा सकते हो। भाई हो गई हमारी हॉट कोल्ड वाटर बात, और बहुत ही अमेजिंग, आई फील सो गुड। ओ गॉड, जिस चीज का डर था वही हो गया। फक मैन, फील डैमेड। ये खड़े खड़े में पत्थर पे चढ़ाया हमने, और पत्थर यहाँ पे पड़ा हुआ था, और शिट यार, और गाड़ी में जैक भी नहीं है, और दिक्कत हो गई है अभी। Get low when the whistle go.